नमस्कार, पिराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आप या फिर आपके परिवार या फिर रिश्तेदारी में कोई न कोई कभी डॉक्टर के यहाँ गया ही होगा। सरकारी अस्पताल हो, प्राइवेट अस्पताल हो, या फिर सरकारी डॉक्टर के यहाँ या फिर प्राइवेट डॉक्टर के, सबकी कहानी सामान्यतः एक जैसी होती है। प्राइवेट डॉक्टर में यह देखा जाए तो जो निजी नर्सिंग होम संचालित करते हैं और उनके अक्सर नए कारनामे निकलकर सामने आते रहते हैं। खैर, ऐसे सब डॉक्टर नहीं होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते, सबकी कहानी अलग अलग होती है। लेकिन आप जब भी डॉक्टर के पास इलाज करवाने जाते हैं, जितना उसका शुल्क होता है उतना अदा करना ही पड़ता है और करते ही हैं, भले आपकी जेब में फूटी कौड़ी ना हो। यदि आप पैसा नहीं दे पाते हैं तो उसके मुताबिक आपकी दवाई नहीं हो पाती है। आप सोच रहे होंगे कि बात तो सच है, मगर इस पॉलिटिकल वीडियो में इन सब बातों का क्या मतलब? तो सबसे पहले आप एक वीडियो देखिए, उसके बाद बात करेंगे आगे की। रिफर कर दी सीधी यहाँ, वहाँ सरकारी अस्पताल में जी। अब वहाँ से रिफर करें रीवा तो हमारे पास नहीं रहा पैसा। हाँ। तो फिर यही तो कहते हैं राजेश मिश्रा की यहाँ। हाँ। फिर उनके यहाँ ले जाए तो बिल्कुल 500 रुपया घट के छुट्टी नहीं दे रहे हैं। हाँ। दवाई खरीदत खरीदत मतलब 50,000 ली तब फिर छुट्टी मिली। तो कतना दवाई करे? दवाई अब चाहे जितने करे हो 50,000 नगद दे है। हाँ। और 3 से 5 दिन में 1.5 लाख रुपया 3 फेरा लग जाए, मतलब तो 50,000 से कम 1 रुपया नहीं। 500 रुपया छुट्टी नहीं देते हैं? हाँ, नहीं दे रहे छुट्टी। हाँ। जी, तो कहा चाहिए थे? अब यह कहा चाहिए थे केदार के एकदम कांग्रेस पार्टी जीता है। तो कांग्रेस सर भैया जिंदाबाद। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब मैं जीता हूँ तो एक दारे में लूटी ली तब दोबारा जीते कहीं तो पब्लिक मर गई हूँ। अच्छा, गुर्दा बेच ली तो फिर का फायदा हो? ऐसे कमलेश्वर भैया जिंदाबाद। दरअसल यह सज्जन सीधी सिंगरौली लोकसभा क्षेत्र के है, जहां इन्होंने कभी वर्तमान के सीधी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राजेश मिश्रा के निजी नर्सिंग होम में किसी को भर्ती करवाया रहा होगा, जिसका हाल या फिर यह कहें कि आप बीती जनता के सामने सुना रहे हैं। खैर, डॉक्टर साहब इन दिनों और फीस मांगने की जगह हर दहलीज में वोट मांगते फिर रहे हैं, और वह भी राम के नाम पर। ऐसे में जनचर्चा है कि दरवाजे में राम नाम का कीर्तन करते हुए भिक्षुक भिक्षा अर्जन करते आते हैं और भिक्षा ग्रहण करने के बाद आशीर्वाद देकर चले जाते हैं, लेकिन यह नेता आशीर्वाद भी और वोट भी दोनों लेकर चले जाते हैं और आने वाले 4-4.5 साल तक जनता के बीच में दिखाई नहीं देते। खैर, सीधी लोकसभा में वादे तो वही है, पार्टी भी वही है, बस पार्टी का जो प्रत्याशी है उसका मुखौटा बदल गया है। आपको बता दें कि 2 पंचवर्षीय सांसद रहने के बाद रीति पाठक को विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया, जिसके बाद से यहां पर नए कैंडिडेट के कयास लगने शुरू हो गए, जहां पर डॉक्टर राजेश मिश्रा पार्टी से नाराज होकर विधानसभा चुनाव में कमल खिलाने की जगह मुंह फुलाकर इतर हो गए थे। इसके बाद पार्टी ने सम्मान लोकसभा का टिकट थमा दिया, जिसके बाद अब डॉक्टर साहब दरवाजे दरवाजे राम नाम से वोट मांग रहे हैं। खैर, सीधी में मुद्दे तो बहुत हैं, ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन का मामला हो, रोजगार का मुद्दा हो, तमाम आज तक जो जिनके भी किसान थे जिनका भूमि अधिग्रहण किया गया रेलवे लाइन के लिए, उनको रोजगार या फिर ये कहें कि उनको नौकरी नहीं दी गई, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर पूर्व में भी पहले के सांसद रह चुकी रीति पाठक को भी जनता ने घेरा है। खैर, सीधे मुद्दे बहुत हैं, लेकिन पूरे देश में राम मंदिर के आगे मुद्दे गर्त में चले गए हैं, चर्चा करेंगे आगे। लेकिन उससे पहले डॉक्टर राजेश मिश्रा का, जो कि सीधी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनका यह वीडियो देखिए, किस तरह से राम मंदिर के नाम पर कैसे जनता को बड़े प्यार से बहला कर समझा रहे हैं। अब क्या समझा रहे हैं देखिए यह वायरल वीडियो। ईवीएम में तीसरे स्थान पर आपका चिन्ह है, कमल का चिन्ह है, और डॉक्टर राजेश मिश्रा का चिन्ह है। आप उसमें जाकर के कमल का बटन दबा करके और राष्ट्रीय यज्ञ में एक हवन करने का प्रयास की। राष्ट्रीय यज्ञ मित्रों, जब कभी आप अयोध्या जाएं, भगवान राम का दर्शन करें, तो आप भगवान राम की मूर्ति से
आंखें ठीक से मिला सके। आपने ईवीएम का बटन दबाया है, कमल का बटन दबाया है, और वो बटन दबाया है जिसकी वजह से जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। वीडियो में आपने सुना होगा कि सीधी से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर साहब यह कहते दिखाई दे रहे हैं कि जो बीजेपी को वोट देगा वही राम मंदिर के दर्शन करने जाएगा। खैर, जब उनके आका ही पूरे देश में ऐसा माहौल निर्मित किए हो तो इनकी भी क्या गलती। आपको बता दें कि हम या हमारा न्यूज चैनल राम या फिर राम मंदिर का विरोध किसी भी तरह से नहीं करता, लेकिन सीधी भाजपा प्रत्याशी के यह वायरल वीडियो भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। खैर, इस वायरल वीडियो के बाद सीधी से ही कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने प्रतिक्रिया दी। आप भी सुनिए कि आखिर इस बयान को लेकर सीधी से कांग्रेस प्रत्याशी ने क्या पलटवार किया है। देखिए, तो ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है, और ये वो लोग बात करते हैं जो काम नहीं कर पाते हैं, वो फिर धर्म का आड़ लेते हैं, और हमारे जो भगवान हैं, हमारे जो राम हैं, वो तो गरीबों में वास करते हैं, सेवा में वास करते हैं। जो अच्छा कर्म करें, गरीबों की सेवा करें, ज़रूरतमंदों की मदद करें, हम तो उन राम को जानते हैं। जो राम भगवान श्री रामचंद्र जी, अगर कोई जानता है या किसी ने पढ़ा है उनको, उन्होंने हमेशा अपना जीवन त्याग और तपस्या में दूसरों के लिए समर्पित किया था। भगवान को सीमित करना, ये हम समझते हैं ये एक पढ़े लिखे डॉक्टर का विजन नहीं हो सकता है। या तो उनकी डॉक्टरी में खोट है, या तो फिर कहीं ना कहीं ये वोट की राजनीति हो रही है। देखिए, ऐसा है क्या हमारे संबंध उनसे खराब है? वो अपने दल का काम कर रहे हैं, अपने दल का काम कर रहे हैं, हमारी विचारधारा मेल नहीं खाती है, हम भी उनका बहुत सम्मान करते हैं। पर इस तरह की बातें करके, जो मुद्दे की बात करें, ये चुनाव मुद्दों पर हो रहा है। ये चुनाव जो है सीधी संसदीय क्षेत्र के विकास को लेके, प्रदेश और देश का जो भविष्य है वो निर्धारित करने वाला है। ये चुनाव किसी इस तरह की बातों में इधर उधर की बात करके और लोगों का दिमाग जो डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये उनकी सोची समझी साजिश है। पूजनीय पिताजी ने कई वर्षों तक सीधी संसदीय क्षेत्र के जनता जनार्दन की सेवा की है, और विगत 11 वर्षों से, बल्कि और ज़्यादा समय से, 10 साल विधायक और 15 महीने मंत्री के रूप में, और उसके पहले भी संगठन में भी थे, तब भी अगर हमसे जो भी हो सकता था, सीधी संसदीय क्षेत्र की जनता जनार्दन की सेवा की है, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, और वो लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। और मंत्री के रूप में जो हमने काम किया है वो आज पूरा सीधी संसदीय क्षेत्र नहीं, पूरा प्रदेश महसूस करता है, और ये हमारी जिम्मेदारी हमेशा, जब भी मौका मिलेगा, जनता जब भी मौका देगी, तो निरंतर काम होते रहेंगे। इनके झांसे में हम लोगों को नहीं आना है। इनसे तो पूछिए ना, काला धन कहाँ है, 15 लाख रुपए खाते में आए कि नहीं आए, 2 करोड़ प्रतिवर्ष बेरोजगारों को रोजगार मिले कि नहीं मिले, महंगाई आधी हुई कि नहीं हुई, किसानों की आय दुगनी हुई कि नहीं हुई, कहाँ है अच्छे, कहाँ है पीएम आवास योजना। ये सिर्फ काम की बूते की बात नहीं करते हैं ये लोग विषय से विषयांकित होके दिमाग को डाइवर्ट करना जानते हैं। अब ये जनता जनार्दन को समझना है कि हम सबको मिलकर सीधी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाना है, देश के भविष्य के लिए, देश का संविधान बचाने के लिए, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए, और न्याय पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी का ही विकल्प देश में है। ये हश्र उसी तरह का होने वाला इस चुनाव का, जैसे पहले इंडिया एनडीए गवर्नमेंट बनी थी, और एनडीए गवर्नमेंट का फिर जिस तरह से पर्दाफाश हुआ था और सफाया हुआ था, फिर यूपीए अलायंस की सरकार बनी थी, साइनिंग इंडिया, इस बार वही साइनिंग इंडिया का जो नारा चला था, तो इस बार फिर इंडिया अलायंस की देश में सरकार बनने जा रही है, और देश की जनता जनार्दन बनाने वाली है। जनसंपर्क करें, पर जनता समझ चुकी है, जनसंपर्क ही तो हो रहा है, चुनाव ही तो लड़ रहे हैं। ये जब चुनाव हो जाता है दूसरे चुनाव की तैयारी करने लगते हैं, जनता की सेवा तो करते नहीं है। जनता जनार्दन के लिए जो योजनाएं बनानी चाहिए, जो क्रियान्वयन करना चाहिए, वो तो देश की सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने किया नहीं है, सिर्फ चुनाव ही तो लड़ते रहे हैं, और आगे भी
पर इनके झांसे में प्रदेश की जनता, सीधी संसदीय क्षेत्र की जनता, देश की जनता नहीं आने वाली है, क्योंकि इनका चुनावी प्रबंधन पूरी तरह से फेल हो चुका है। इसीलिए अब उनको एहसास होने लगा है कि हमारी विदाई का समय है, इसलिए बार बार कार्यकर्ताओं को आगाह कर रहे हैं कि आप अपना बूथ ठीक करिए। और बूथ ठीक कहाँ से होगा, जब जनता साथ में होगी तब ना बूथ ठीक होगा, पैसे के दम पर ठीक होगा। ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। इनका एक ही काम है कि जो निर्वाचन आयोग हो या अधिकारी कर्मचारी है या धन बल है, इसका उपयोग करके चुनाव जीत ले। पर इस बार जनता ने मन बना लिया है कि इनके किसी भी प्रलोभन में नहीं आएंगे, ना ही इनके किसी भी प्रकार के षड्यंत्र में, प्रशासनिक अधिकारी हो या निर्वाचन आयोग हो, सबको मुँह तोड़ इस बार देश की जनता जवाब देने वाली है। और देश में इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, सीधी संसदीय क्षेत्र से भी कांग्रेस का सांसद जीत के जाएगा। यह हाल भारतीय जनता पार्टी का महज सीधी लोकसभा सीट में नहीं बल्कि रीवा में भी है, जहां एक तरफ 10 वर्षों के सांसद जनार्दन मिश्रा तीसरी बार मैदान में है तो सिर्फ और सिर्फ राम नाम और मोदी नाम पर यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, जहाँ एक तरफ उनके नए नए आविष्कार और कारनामे जनता के बीच में अक्सर चर्चा का विषय बने रहते हैं, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस प्रत्याशी नीलम अभय मिश्रा के मैदान में होने से बीजेपी खेमे में सन्नाटा पसर गया है। पार्टी में भले ही जनार्दन के टिकट मिलने के बाद खुलकर विरोध सामने न आया हो, लेकिन कई पंचवर्षीय से टिकट की आस में बैठे गौरव तिवारी, राजेश पांडे, प्रज्ञा त्रिपाठी और भाजपा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह पटेल कैसा कमल खिलाएंगे, यह तो वही जाने। खैर, राजनीतिक पंडितों की माने तो रीवा में जन चर्चा है कि यह चुनाव जनार्दन मिश्रा नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला लड़ रहे हैं। पॉलिटिकल पंडितों की माने तो रीवा में जनार्दन पार्टी या फिर जनता की पसंद नहीं बल्कि राजेंद्र शुक्ला की पसंद है। ऐसे में जनता क्या तय करती है, यह देखने वाली बात होगी। आपको बता दें कि पिछला विधानसभा चुनाव 2023 का, जिसमें सिमरिया से बीजेपी ने केपी त्रिपाठी को मैदान में उतारा था, जहां पर बीजेपी ने यह हवा देने की कोशिश की थी कि यह चुनाव केपी त्रिपाठी नहीं बल्कि राजेंद्र शुक्ला लड़ रहे हैं, जहां पर प्रदेश स्तर या फिर यह कहे कि बीजेपी का पूरा केंद्र स्तर की बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और परिणाम आप सबके सामने निकल कर आए। खैर, यह जनता है, जनता किसको अर्श से फर्श में पहुंचा दे, किसको शून्य से शिखर में या फिर शिखर से शून्य में ला दे, लेकिन यही जनता जब 10 वर्षों तक ठगी जाती है, ऐसा हम नहीं कहते बल्कि रीवा में इन दिनों यह चर्चा आम है कि रीवा को 10 वर्षों में साफ सफाई, वह भी फोटो खिंचवाने वाली साफ सफाई के अलावा शायद कुछ देखने को मिला होगा। कुल मिलाकर बिंद में या फिर यह कहें कि रीवा और सीधी लोकसभा सीट में भाजपा राम के भरोसे है, लेकिन जनता जनार्दन होती है, किसके लिए दिल्ली का दरवाजा खोलेगी और किसके लिए दिल्ली का दरवाजा बंद करेगी, यह तो जनता ही जाने।